रैग्नारोक या मेरा प्लेस्टेशन 4 जो खराब पड़ा हुआ है, सिर्फ इस कमीने की वजह से मेरा पूरा प्लेस्टेशन 4 खराब पड़ा हुआ है। और ये मेरा डिनू, चल बे। और ये है पार्सल, अब इसे खोलते हैं। ये इंचांटेड कैची है क्योंकि मेरी इंचांटेड स्केल नहीं मिल रही मेरे को। खोलो कैसे खोलेगी ये। ये अमेज़न ने एड्रेस तो नहीं लिखा हुआ ना, वाह QR कोड इसकी पूछ। एड्रेस के पहले पढ़ने दो। ओ नहीं, चल ये निकालो। ये क्या, ये बिल्ले से फेंको अब कतई जोर से खोलो। 1 अक्टूबर 2029 जब मैंने ये ऑर्डर करी थी, बीच नंबर 7। Here is my God of War Launch Edition! मिल गया! Ragnarok Boys! तेरी बहन के पास भैंस के पूछ मतलब। अब पिन्नी को भी इधर आजा, तू भी आजा, आजा 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 इधर इधर। ये देख सकते हैं आप, भाई व्लॉगर अली अजदान गेमर, क्या है तेरे यूट्यूब चैनल का, अली अजदान हुसैन भाई व्लॉगर। हाँ, और अली अजदान हुसैन, वो उधर मेरा पांडू पड़ा हुआ और वो पड़ा हुआ। पर ये चीज है, मेरे हाथ कांप रहा है अभी, मेरे हाथ कांप रहा है अभी। ओ भाई साहब, अमेज़न मोच कर दी तुमने, वाह। अब इसे अनरैप करते हैं। लॉन्च एडिशन प्री ऑर्डर करी थी तो मेरे को PS5 का अपग्रेड और लॉन्च एडिशन वाली मिली है। अब इसे खोलते हैं। ओ भाई साहब, और भैया रे, अबे ये थोड़ी दिखाना है। ए रुक जा 2 मिनट, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक कंटेंट। ओ अच्छा समझ गया, मेरे को गॉड ऑफ वॉर का पर्चा भी मिला है। इसमें ना आपको दो चीज़ें फ्री मिलेंगी, एक तो गॉड ऑफ वॉर का आर्मर और एक अत्रेयस का सूट है ना। तो इसमें ना कोड लिखा हुआ, वो मैं दिखाऊंगा नहीं तो आप में से कोई भी ना कर लेगा उसे रिडीम। और ये पर्चियाँ किताबें किसी काम की तो है नहीं, ये मेरे को अच्छा कर रहे हो, फेंकने का नहीं है बेटा, कभी ज़रूरत पड़ जाए। और ये है अपनी कैसेट शाइनिंग डिस्क, डेटा डिस्क। ओ भाई US के, ए पैगी 18 है वाह। गॉड ऑफ वॉर सेंटा मोनिका स्टूडियोज। आज के लिए बस इतना ही, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक बहुत समय से वेट कर रहा था, तो मिलते हैं अब बाद में, क्योंकि ये मेरे पास आ चुकी है, मेरा प्लेस्टेशन ख़राब है। पहले मैं प्लेस्टेशन का कंट्रोलर लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद जाके ये चलेगी तो मैं उसी टाइम वीडियो डालूंगा। देखो मेरे प्लेस्टेशन में ना रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे से इतने जमेले वमेले में नहीं करता, तो मैं डालता ही नहीं हूँ। मेरे पास माइनक्राफ्ट GTA 5 और बहुत सारी गेम है, तो जब मैं और कलेक्शन दिखाता हूँ मेरी गेम्स का। मैंने तो बहुत सारी तो दे भी थी, मेरे पास 4 है 4 थी 3 है मेरे पास, रुक जो दिखाता हूँ। मैंने सामने की लाइट बंद करी है तो आप सही से देख पा रहे होंगे। ये है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक पहले मेरे पास, फिर आ गई माइनक्राफ्ट GTA 5, ये है गॉड ऑफ वॉर 3, हाँ, और ये है कॉल ऑफ ड्यूटी, ये है स्ट्रीट फाइटर। ये बहुत बेकार है भाई, मत खेलना, मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये मत ही लेना, टेकन ले लेना इससे अच्छा। टेकन 7 चलता है ना शायद तक चलता होगा। ये वाली तो पहले इतनी समझ नहीं थी जब मैं लेकर आया था, मैं 2nd क्लास में था जब मैं लेकर आया था ये वाली, तो ये वाली कैसेट मेरे को इसके साथ फ्री मिली थी। ये है ना, ये अटाला, इसके साथ ये वाली फ्री मिली थी क्योंकि बंडल था, मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। मेरे को क्या मालूम कि नेट से चलेगा, तो फिर ये वाली लेकर आया था मैं, मेरे को उस टाइम अकेले नहीं थी तो मैं नहीं तो कुछ और ले लेता, तो ये ली। फिर उसके बाद आई थी सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस ही कहते हैं ना शायद, तक पहले ये आई फिर ये आई थी। अब इसके बाद है ना मैंने लिया था गॉड ऑफ वार 4 जो मैंने पूरी पार कर दी थी, पर मेरा भाई गंवार को मैंने खेलने की नहीं दी थी, वो जाहिल ने मेरे गॉड ऑफ वार की कैसेट बेच दी। फिर है ना मैंने स्पाइडरमैन एस्टिमेट ली थी, उससे मैंने कौन सी, नहीं हाँ उसको बेच के मैंने पैसे ले लिए थे,
तो फिर मैंने ये मंगाई थी माइनक्राफ्ट, फिर आ गई अपनी लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जिंदाबाद। तो ये मैंने अभी अभी खुद ने देखा कि ये प्ले डिस्क भी है इसके अंदर और डेटा डिस्क भी है, मेरे को नहीं मालूम था ना, मैंने एकदम बस खोल के देखा तो मेरे को डेटा डिस्क मिल गई, मतलब प्ले डिस्क मिल गई और डेटा डिस्क उसके अंदर ऊपर की साइड रखी हुई थी। अब मैंने इसमें इमोजी लगाया।